हे एवरीवन, दिस इज सिमरन एंड वेलकम टू इग्नू ई पाठशाला। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपने घर में सेफ होंगे और अपनी प्रिपरेशन भी आप रेगुलर बेसिस पे कर रहे होंगे। तो ऑलरेडी हम ये चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं और हमने अपने पिछली वीडियो में इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ डिस्कस भी किया था। तो आज हम उस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और आगे के पोर्शन को डिस्कस करेंगे। तो अगर आप में से किसी ने पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दिएगा ताकि जब भी मैं वीडियोस को अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर जाए। और अब आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। ये है चैनल का नाम, पेज का नाम इग्नू ई पाठशाला, जहाँ पे मैं रेगुलरली पोस्ट करती रहती हूँ। कोई भी अगर अपडेट आता है इग्नू की तरफ से तो इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप वहाँ पे मुझे पिंग भी कर सकते हैं। और जहाँ तक रही आपकी पीडीएफ की बात, तो आपको पता है मैं टेलीग्राम चैनल पे ही पीडीएफ प्रोवाइड करती हूँ, तो इग्नू स्क्वाड आप सर्च कर दीजिएगा टेलीग्राम पे और सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको पीडीएफ की जरूरत है। ठीक, तो चलिए अब अपने हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे मल्टीलेटरल एनवायरमेंटल अग्रीमेंट्स के बारे में। देखिए, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में इससे हमेशा क्वेश्चन पूछा ही गया, मतलब जब भी अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है तो इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चंस आ ही आए हैं। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा। ठीक, तो मल्टीलेटरल एनवायरमेंटल अग्रीमेंट इज अ लीगली बाइंडिंग अग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर कंट्रीज कंटेनिंग कमिटमेंट्स टू मीट स्पेसिफिक एनवायरमेंट रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स। तो मल्टीलेटरल एनवायरमेंटल अग्रीमेंट्स कैसे हैं? अग्रीमेंट्स हैं, एक बाइंडिंग अग्रीमेंट्स है। बाइंडिंग अग्रीमेंट का क्या मतलब होता है कि जो भी पार्टीज इन्वॉल्व इस अग्रीमेंट में, उनको इसके जो भी प्रोविजंस हैं उसको मानना पड़ेगा, और ये उसको डिक्लाइन नहीं कर सकते, डिनाई नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि ये लीगली बाइंडिंग एक अग्रीमेंट है जिसमें दो या दो से ज्यादा कंट्रीज कमिटमेंट देती हैं कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो उसको फुलफिल करेंगी। ठीक, तो वी आर कंसिडरिंग हेयर फोर ऑफ द मोर इम्पोर्टेंट इन्वायरमेंटल अग्रीमेंट्स विद देयर ट्रेड प्रोविजंस। तो सबसे पहला है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। सो विद द एक्सेसिव यूज ऑफ सीएफसीज दैट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ओजोन लेयर डिप्लीट होना शुरू हो गई। ठीक है, अब जब ओजोन लेयर डिप्लीट होना शुरू हो जाएगी तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ही खराब होंगे। देखिए, ओजोन लेयर एक शील्ड की तरह काम करती है, और जो भी अल्ट्रा वायलेट रेज हैं वो डायरेक्टली अर्थ पे नहीं आती क्योंकि ओजोन लेयर उसे कंट्रोल कर लेती है। ठीक है, अब अगर आप सोचिए ओजोन लेयर डिप्लीट हो जाएगी तो जो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं वो डायरेक्टली अर्थ पे आएंगी, जो कि ह्यूमन बींग्स के लिए, एनिमल्स के लिए, सबके लिए बहुत हार्मफुल होगी। ठीक, तो इस चीज को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, इसीलिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को बनाया गया ताकि जो ओजोन लेयर डिप्लीट हो गई है उसे प्रोटेक्ट किया जा सके और उसे भरा जा सके, और किसी भी तरह जो ओजोन लेयर खत्म हो रही है उसे कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, The Montreal Protocol is an international treaty designed to protect the ozone layer by phasing out the production of numerous substances that are responsible for ozone depletion. It was agreed on 16 September 1987 and entered into force on 1st January 1989. तो ये फॉर्म हुआ था 16 सितंबर 1987 में, लेकिन ये इसकी वर्किंग कब से शुरू हुई? 1st जनवरी 1989 में। ठीक, ये अग्रीमेंट करीब 9 बार रिवाइज किया गया। सबसे पहले रिवाइज किया गया था 1990 में लंदन में, फिर 1991 नैरोबी में, 1992 कॉपेनहेगन में, 1993 बैंकॉक, 1995 वाइना, 1997 मॉन्ट्रियल, 1998 ऑस्ट्रेलिया, 1999 बीजिंग एंड 2016 में किगाली। तो ये अग्रीमेंट 9 बार रेटिफाई किया जा चुका है। ठीक, एज अ रिजल्ट ऑफ द इंटरनेशनल अग्रीमेंट द ओजोन होल इन अंटार्कटिका इज स्लोली रिकवरिंग। इस अग्रीमेंट को बनाने का ये फायदा हुआ कि जो ओजोन होल था अंटार्कटिका के पोर्शन में वो स्लोली रिकवर करना शुरू हो गया। ठीक है, द प्रोटोकॉल वॉज नेसेसिएटेड बाय द डिस्कवरी बाय साइंटिस्ट दैट द ओजोन लेयर विच एक्टेड एज एन इफेक्टिव शील्ड फॉर द अर्थ अगेंस्ट हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन from outer space was being depleted far more rapidly than had been forecast, and that the cause for all this was the presence of human-made chemicals, mainly chlorofluorocarbons, in the upper reaches of the stratosphere. ठीक है, so according to the agreement,
parties committed themselves to reduce the emission of the substances by at least 50% of 1986 levels by 1999. ठीक है, तो इसमें जो भी parties involved थी उन्होंने ये decide किया कि वो अपने emission को 50% तक control करने की कोशिश करेंगे. ठीक, the protocol was amended substantially at the second meeting of the parties in London in June 1990. ठीक, अब इसके ट्रेड प्रोविजंस क्या थे ये देख लेते हैं. इम्पोर्ट्स ऑफ कंट्रोल्ड सब्सटेंसेस फ्रॉम द नेशंस नॉट मेंबर्स ऑफ द प्रोटोकॉल वर बैंड फ्रॉम जनवरी 1990. तो जो भी नेशंस इस प्रोटोकॉल के अंदर नहीं आते थे, इस अग्रीमेंट के अंदर नहीं आते थे, उनके इम्पोर्ट्स को जनवरी 1990 से पूरी तरह से बंद कर दिया गया था. और किसके इम्पोर्ट्स को? कंट्रोल सब्सटेंसेस के. कंट्रोल सब्सटेंसेस मतलब ऐसे सब्सटेंसेस जिनकी वजह से ओजोन लेयर के ऊपर बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है और उसकी वजह से ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है. तो ऐसे सब्सटेंसेस के इम्पोर्ट्स को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था इन जनवरी 1990. ठीक, बाई 1993 द बैन वॉज एक्सटेंडेड टू डेवलपिंग कंट्रीज फ्रॉम एक्सपोर्टिंग एनी कंट्रोलेबल सब्सटेंसेस. 1993 में डेवलपिंग कंट्रीज को मना कर दिया गया एक्सपोर्ट करने के लिए भी ऐसे प्रोडक्ट्स को. ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है, विद इन 3 years ऑफ द अग्रीमेंट अ बैन वॉज इंट्रोड्यूस ऑन द प्रोडक्ट्स विच कंटेन कंट्रोल सब्सटेंसेस फ्रॉम द नेशंस विच आर नॉट मेंबर्स ऑफ द प्रोटोकॉल. जो भी कंट्रीज इस प्रोटोकॉल के अंदर नहीं आती हैं उनसे वो सारे प्रोडक्ट्स लेना बंद कर दिया गया था जो कि ओजोन लेयर को डिप्लीट करने की मेजर वजह बन सकते हैं. ठीक है, जैसे प्रोडक्ट्स सच एज रेफ्रिजरेटर्स हो गए, फ्रीजर्स, एरोसोल प्रोडक्ट्स, इंसुलेशन बोर्ड्स, पैनल्स एंड पाइप कवर्स. ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है, पार्टी सिग्नेटरी टू द प्रोटोकॉल आर एक्सपेक्टेड टू डिस्करेज द एक्सपोर्ट्स ऑफ टेक्नोलॉजीज यूज्ड फॉर कंट्रोल सब्सटेंसेस टू द नेशंस नॉट मेंबर्स ऑफ द प्रोटोकॉल. जो सिग्नेटरी पार्टीज थी इस प्रोटोकॉल की उनसे साफ बोला गया कि ऐसी टेक्नोलॉजीज जिनके थ्रू ये कंट्रोल सब्सटेंसेस को फॉर्म किया जाता है इसके एक्सपोर्ट को पूरी तरह से रोका जाए, इसके एक्सपोर्ट को डिस्करेज किया जाए, क्योंकि अगर इसको डिस्करेज नहीं किया जाएगा तो कंट्रोल सब्सटेंसेस बनते रहेंगे उनके थ्रू और ज्यादा ओजोन डिप्लीट होती रहेगी. ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया. अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे. नेक्स्ट हमारा द बेसल कन्वेंशन. अब ये बेसल कन्वेंशन किस लिए बनाया गया? ये बनाया गया हजार्डियस वेस्ट को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि आप जानते हैं इंडस्ट्रीज जितनी भी हैं वो अपने वेस्ट प्रोडक्ट को वाटर बॉडीज में डंप करती हैं और वाटर बॉडीज उसकी वजह से इन्फेक्टेड हो जाती हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर रहने वाले प्लांट्स और एनिमल्स, या मैं कहूँ वाटर एनिमल्स, उनके ऊपर बहुत अफेक्ट पड़ता है, उनको ब्रीथिंग प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है. ठीक, तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से हमारे एनवायरनमेंट को प्रॉब्लम हो रही है, तो इसीलिए बेसल कन्वेंशन को बनाया गया ताकि इस हजार्डियस वेस्ट और उसके डिस्पोजल को कंट्रोल किया जा सके या उसको सही तरीके से डंप किया जा सके. ठीक, द बेसल कन्वेंशन ऑन द कंट्रोल ऑफ ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्डियस वेस्ट एंड देयर डिस्पोजल यूजुअली नोन एज द बेसल कन्वेंशन is an international treaty that was designed to reduce the movements of hazardous waste between nations and specifically to prevent transfer of hazardous waste from developed to less developed countries. तो इस कन्वेंशन को बनाने का बेसिक मोटो यही था कि जो भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो अपने जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो क्या करती हैं, लेस डेवलप्ड कंट्रीज या डेवलपिंग कंट्रीज में उनको डंप कर देती हैं, और इसकी वजह से जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज हैं या डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनका एनवायरनमेंट अफेक्ट होता है. ठीक है, तो इस चीज को कंट्रोल करने के लिए ही बेसल कन्वेंशन को फॉर्म किया गया था ताकि ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट हजार्डियस वेस्टेज का कंट्रोल किया जा सके. ठीक, तो इट डज नॉट हाउएवर एड्रेस द मूवमेंट ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट. ठीक है, इसके अंदर रेडियो एक्टिव वेस्ट इंक्लूड नहीं किया गया. द कन्वेंशन इज ऑल्सो इंटेंडेड टू मिनिमाइज द अमाउंट एंड टॉक्सिसिटी of the waste generated to ensure their environmentally sound management as closely as possible to the sources of generation and to assist LDCs, that is less developed countries, in environmentally sound management of the hazardous and other wastes they generated. The convention seeks to ensure the environmentally sound management of waste and their disposal as close as possible to source of generation. So, इस कन्वेंशन को इसीलिए बनाया गया
ताकि जो भी हाजार्डियस वेस्ट है उसकी टॉक्सिसिटी को तो कम किया जा सके, क्योंकि देखिए आपकी कंट्री में अगर इंडस्ट्रीज काम कर रही हैं तो वेस्टेज निकलना लाजमी है, ठीक है। आप वेस्टेज को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन इतना किया जा सकता है कि जो वेस्ट प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं उनको प्रोसेस करके डंप किया जाए, तो एटलीस्ट वो एनवायरमेंट को इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं करेगा, ठीक। तो इसीलिए एनवायरमेंटली साउंड मैनेजमेंट सिस्टम की ज़रूरत है, जिसके थ्रू जो भी वेस्टेज है उसको डंप करने से पहले उसको प्रॉपरली प्रोसेस किया जाए, ताकि वो हमारे एनवायरमेंट को खराब ना करे, ठीक। द मेन ऑब्लिगेशंस ऑफ द पार्टीज आर, फर्स्ट टू रिड्यूस टू अ मिनिमम द जेनरेशन ऑफ हजार्डियस वेस्ट एंड टू डिस्पोज ऑफ इट एडिक्वेटली एंड विद इन द टेरिटरी ऑफ द कंट्री वेयर द वेस्ट हैज बीन जनरेटेड, ठीक है। तो जो मेजर ऑब्लिगेशन थे पार्टीज के वो ये थे कि वो पहले तो कोशिश करें कि हजार्डियस वेस्ट कम से कम जनरेट हो, और अगर वो जनरेट होता है तो उसको एडिक्वेटली डिस्पोज किया जाए और विद इन द टेरिटरी ऑफ द कंट्री। ऐसा नहीं करना चाहिए कि जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है आप किसी और कंट्री में जाके डंप कर रहे हैं, ठीक है। तो जहां भी ये वेस्ट निकला है उसी टेरिटरी में उसको प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ किया जाए, ठीक। अब इसके ट्रेड प्रोविजंस देख लेते हैं। द बेसल कन्वेंशन स्टेट्स दैट एवरी कंट्री हैज द सोवरेन राइट टू बैन द इम्पोर्ट्स ऑफ हजार्डियस वेस्ट और अदर वेस्टेस, एंड एज कॉन्सिक्वेंस नो स्टेट शुड अलाउ एनी ट्रांस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ हजार्डियस वेस्ट और अदर वेस्टेस टू अ स्टेट विच हैज प्रोहिबिटेड देयर इम्पोर्ट। तो ये हर कंट्री के पास राइट है कि वो हजार्डियस वेस्ट के इम्पोर्ट को बैन कर सकता है, रोक सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो भी मेंबर कंट्रीज हैं सिर्फ वही इसको कंट्रोल कर सकती हैं, जितनी भी कंट्रीज हैं वो हजार्डियस वेस्ट को बंद भी कर सकती हैं, बैन कर सकती हैं और ट्रांस बॉर्डर मूवमेंट को कंट्रोल कर सकती हैं, ठीक है। एक कंट्री से दूसरी कंट्री हजार्डियस वेस्ट जो जाता है उसको कंट्रोल कर सकती हैं, प्रोहिबिट कर सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है द एक्सपोर्ट ऑफ हजार्डियस वेस्ट टू अ स्टेट विच इज नॉट अ पार्टी टू द बेसल कन्वेंशन एंड द इम्पोर्ट्स फ्रॉम अ नॉन पार्टी स्टेट आर प्रोहिबिटेड अनलेस एन अग्रीमेंट इज रीच बिटवीन पार्टीज एंड नॉन पार्टी। तो जो भी पार्टीज बेसल कन्वेंशन के अंदर आती हैं वो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट दोनों रोक सकती हैं फ्रॉम नॉन पार्टी स्टेट, ठीक है, उसको प्रोहिबिट कर सकती हैं। लेकिन अगर जो कंट्रीज बेसल कन्वेंशन के अंदर हैं और जो कंट्रीज बेसल कन्वेंशन के अंदर नहीं हैं, अगर उन दोनों के बीच में कोई अग्रीमेंट हुआ है तो ये एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हो सकता है, लेकिन अगर कोई अग्रीमेंट नहीं है तो जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज हैं, आई मीन जो बेसल कन्वेंशन के अंदर जो पार्टीज इन्वॉल्व हैं, वो इसको प्रोहिबिट कर सकती है, वो ट्रेड को प्रोहिबिट कर सकती है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सपोर्ट्स ऑफ वेस्ट फॉर डिस्पोजल इन अंटार्कटिका आर प्रोहिबिटेड, ठीक है। लास्ट है बिफोर परमिटिंग एक्सपोर्ट्स ऑफ वेस्ट द एक्सपोर्ट कंट्री हैज टू मेक श्योर दैट द इम्पोर्टिंग कंट्री हैज अग्रीड इन राइटिंग टू द स्पेसिफिक इम्पोर्ट। अगर एक्सपोर्टिंग कंट्री अपनी कंट्री के वेस्ट को इम्पोर्टिंग कंट्री में भेज रही है तो उसको मेक श्योर करना चाहिए कि इम्पोर्टिंग कंट्री ने उस चीज़ की परमिशन दी हो और वो पूरी तरह से अग्री करी हो। अगर इम्पोर्टिंग कंट्री अग्री नहीं करती है तो एक्सपोर्टिंग कंट्री अपने वेस्ट को वहां पे डंप नहीं कर सकती है, ठीक है। तो ये अग्रीमेंट प्रॉपरली इन रिटन फॉर्म होना चाहिए, ना कि वर्बल होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट हमारा लंडन गाइडलाइंस। अब लंडन गाइडलाइंस बेसिकली बनाई गई थी केमिकल्स की सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। लंडन गाइडलाइंस फॉर द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन केमिकल्स इन इंटरनेशनल ट्रेड वर इलेबोरेटेड टू असिस्ट गवर्नमेंट्स इन इंक्रीजिंग केमिकल सेफ्टी थ्रू एक्सचेंज ऑफ साइंटिफिक टेक्निकल इकोनॉमिक एंड लीगल इंफॉर्मेशन ऑन केमिकल्स इन इंटरनेशनल ट्रेड। It also contains procedures for prior informed consent, which regulates trade in chemicals that are banned or severely restricted. तो ये लंडन गाइडलाइन से बेसिकली बनाई गई थी किसके लिए, केमिकल सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, ताकि इसके बारे में साइंटिफिक टेक्निकल इकोनॉमिक और लीगल इन्फॉर्मेशन को निकाला जा सके और पता लगाया जा सके कौन से ऐसे केमिकल्स हैं जिनको पूरी तरह से बैन कर दिया गया है या वो सीवियरली रिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है। The general obligations of the parties are to establish and strengthen legislative and regulatory systems for improving control and management of chemicals and create national registers of toxic chemicals. Each time
Action is domestically taken to ban or severely restrict the use of chemical. Parties have to notify the other parties. तो जो parties London guidelines के अंदर involved हैं, उनका ये major obligation है कि जो भी chemicals हैं, उनके बारे में full information वो दूसरी parties को provide करे और एक proper register को maintain करे, जिसमें कि वो toxic chemicals के बारे में बताएं और हर बार जब भी डोमेस्टिकली उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा तो दूसरी पार्टीज को भी नोटिफाई किया जाएगा. ठीक. द यूएनईपी इंटरनेशनल रजिस्टर ऑफ पोटेंशियली टॉक्सिक केमिकल्स इज द इंस्टीट्यूशन एंटाइटल्ड टू रिसीव नोटिफिकेशंस ऑफ द बैंड और सीवियरली रिस्ट्रिक्टेड केमिकल्स एंड इज इन चार्ज ऑफ इन्फॉर्मिंग ऑल द पार्टीज ऑफ द नोटिफिकेशन रिसीव्ड. तो जो भी केमिकल्स हैं जिन्हें बैन किया गया है या उन्हें रेस्ट्रिक्ट किया गया है, उसकी इंफॉर्मेशन हमें यूएनईपी इंटरनेशनल रजिस्टर ऑफ पोटेंशियली टॉक्सिक केमिकल्स को देनी होगी, ताकि वो और डिफरेंट कंट्रीज और डिफरेंट पार्टीज को इस चीज के बारे में बता सकें कि ये पर्टिकुलर केमिकल बैन है या फिर इसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है. ठीक है. इसके ट्रेड प्रोविजन देख लेते हैं. अ कंट्री विच रिसीव्स अ रिक्वेस्ट टू अलाउ इम्पोर्ट्स ऑफ केमिकल्स which is under the notification procedure may permit importation, prohibit importation or permit importation only under specified conditions. कोई भी कंट्री अगर दूसरी कंट्री में इम्पोर्ट करना चाहती है केमिकल्स को, तो जो इम्पोर्टिंग कंट्री है उसके पास ही पूरा राइट है कि वो या तो परमिट कर सकती है इम्पोर्टेशन को या प्रोहिबिट कर सकती है, या फिर अगर परमिट करती है तो कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस के अंदर ही परमिट करेगी. ठीक. As a general rule, importing countries should ensure that actions taken with regard to specific chemicals are not more restrictive than those applying to the same domestically produced chemicals or to the same chemicals imported from any other country. तो जो भी importing countries है, अगर वो chemicals को import कर रही हैं, specific chemicals को अगर वो import कर रही हैं, तो उसके regarding वो बहुत restrictive actions को ना लें, ऐसा बोला गया है. ठीक है. तो आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया. अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट है द साइट्स कन्वेंशन. अब साइट्स का फुल फॉर्म देख लेते हैं. द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना. तो बेसिकली साइट्स कन्वेंशन इसलिए बनाया गया कि जो भी इंडेंजर्ड प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके, जो कि एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, डिसअपियर होने वाले हैं, तो उनको खत्म होने से पहले उन्हें बचा लिया जाए, इसलिए साइट्स कन्वेंशन को फॉर्म किया गया था. ठीक. तो साइट्स कन्वेंशन को वॉशिंगटन कन्वेंशन भी कहा जाता है. इज अ मल्टीलेटरल ट्रीटी टू प्रोटेक्ट एंडेंजर्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स. इट वॉज ड्राफ्टेड एज अ रिजल्ट ऑफ रेजोल्यूशन अडॉप्टेड इन 1963 एट अ मीटिंग ऑफ द मेंबर्स ऑफ द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर. The convention was opened for signature in 1973 and sites entered into force on 1st July 1975. ठीक है. तो ये convention बना कब था? 1973 में. और ये force में कब आया? 1st July 1975 में. Its aim is to ensure that international trade in specimens of wild animals and plants does not threaten the survival of the species in the wild, and it accords varying degree of protection to more than 35,000 species of animals and plants. तो बेसिकली इसका एम क्या है कि जो भी स्पीशीज एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, जो कि डिसअपियर होने वाले हैं, उनको किसी तरह बचाया जा सके, और ऐसे 35,000 से ज्यादा स्पीशीज हैं जिनको इस कैटेगरी में रखा गया है और उनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है. ठीक. In order to ensure that the general agreement on tariffs and trade was not violated, the Secretariat of GATT was consulted during the drafting process. तो GATT का जो भी provisions हैं, उनको violate नहीं किया गया है इसमें. अब ये species कैसे extinct हो रही है और इनका trade से क्या connection है, इसको एक बार समझ लेते हैं. आपने Robot 2.0 movie जरूर देखी होगी, और अगर नहीं देखी है तो उसकी story तो आपको पता होगी. उसमें क्या दिखाया है कि डे बाय डे मोबाइल यूजर्स बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं. ठीक. तो जो नेटवर्क प्रोवाइडर कंपनीज है वो क्या कर रही हैं, हर जगह पे टावर्स लगाती जा रही हैं, ताकि जो उनके यूजर्स हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना हो. ठीक. अब इन टावर्स की जो रेडिएशन है, इसका बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है बर्ड्स के ऊपर. ठीक है. उस मूवी में क्या दिखाया गया कि टावर्स की रेडिएशन बर्ड्स नहीं झेल पाती हैं, या तो वो मर जाती हैं या वो उड़ना बंद कर देती हैं,
मतलब कि जो उनकी जो प्रॉपर प्रॉपर्टी है वो खत्म होना शुरू हो जाती है, और इसकी वजह से जो बर्ड्स हैं वो एक्सटिंक्ट होने लग गई। ठीक, जिसमें पक्षी कुमार थे, शायद अक्षय कुमार का नाम अगर मुझे याद है, वो इस चीज को मानते हैं और उस चीज को दुनिया को समझाते भी हैं कि ऐसा मत करिए वरना ये पक्षी नहीं बचेंगे, लेकिन शायद हम लोग समझते ही नहीं है। और जब हम पिक्चर देखते हैं तो हमको उस टाइम लगता है कि हाँ ये थॉट बहुत अच्छा है, ये चीज है, लेकिन शायद हॉल से बाहर निकलने के बाद हम वही सेम ही हो जाते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर आप देखिए तो जो रेडिएशन है उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है बर्ड्स के ऊपर, स्पीशीज के ऊपर। ठीक है, तो अब आप समझ सकते हैं कि इसीलिए ये सब कन्वेंशंस को बनाया जाता है ताकि किसी भी तरह इन सबको प्रोटेक्ट किया जा सके। तो आई होप आपको एग्जाम्पल से काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। अब इसको तीन कैटेगरीज में बांटा गया है, एक है अपेंडिक्स वन, अपेंडिक्स टू, और नेक्स्ट स्लाइड पे है अपेंडिक्स थ्री। ठीक है, अपेंडिक्स वन क्या है, इट लिस्ट स्पीशीज दैट आर मोस्ट इंडेंजर्ड अमंग साइट्स लिस्टेड एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो ठीक है, फर्स्ट अपेंडिक्स में क्या बताया गया कि मोस्ट इंडेंजर्ड स्पीशीज कौन से हैं। सेकेंड अपेंडिक्स में बताया गया है स्पीशीज दैट आर नॉट नेसेसरली नाउ थ्रेटेंड विद एक्सटिंक्शन बट दैट मे बिकम सो अनलेस ट्रेड इज क्लोजली कंट्रोल्ड। अब अपेंडिक्स टू में क्या बोला गया है कि इसके अंदर जो स्पीशीज आती हैं वो थ्रेटन नहीं हो रही है ना, वो अभी एक्सटिंक्ट होंगी, लेकिन अगर ट्रेड को प्रॉपरली रेगुलेट नहीं किया गया, कंट्रोल नहीं किया गया, तो फ्यूचर में ये एक्सटिंक्ट हो सकती है। ठीक है, इसकी डिटेल को आप पढ़ लीजिएगा, बहुत ईजी है, और बुक में आपके ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया था, लेकिन मुझे लगा कि इसके बारे में थोड़ी डिटेल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, पेपर में आप लिख भी पाएंगे अच्छे से, तो इसलिए मैंने आपको ये दूसरी जगह से लिख के दिया है। ठीक, अब अपेंडिक्स थ्री में क्या बोला गया है, इट इज अ लिस्ट ऑफ स्पीशीज इंक्लूडेड एट द रिक्वेस्ट ऑफ अ पार्टी दैट ऑलरेडी रेगुलेट्स ट्रेड इन द स्पीशीज एंड दैट नीड्स द कोऑपरेशन ऑफ अदर कंट्रीज टू प्रिवेंट अनसस्टेनेबल और इलीगल एक्सप्लॉयटेशन। अब अपेंडिक्स थ्री में ऐसी स्पीशीज हैं जो कि जिसमें पार्टीज जो हैं कुछ वो ऑलरेडी इसको कंट्रोल कर रही हैं, लेकिन उनको और डिफरेंट कंट्रीज के सपोर्ट की जरूरत है ताकि ये इसको पूरी तरह से कंट्रोल कर सकें। ठीक है, तो अपेंडिक्स वन में क्या था, जो कि इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं। अपेंडिक्स टू में क्या है कि कुछ स्पीशीज हैं जो कि अभी इंडेंजर्ड नहीं है, लेकिन अगर ट्रेड को प्रॉपरली रेगुलेट नहीं किया गया तो वो इंडेंजर्ड कैटेगरी में आ जाएंगी। ठीक, और थर्ड में क्या बताया कि ऐसी स्पीशीज जो कि कुछ कंट्रीज हैं वो ऑलरेडी इस पे वर्क कर रही हैं, लेकिन वो दूसरी कंट्रीज का भी कॉपरेशन चाहती हैं जिसके थ्रू वो इसको पूरी तरह से कंट्रोल कर पाए। ठीक, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। अब देख लेते हैं रेगुलेटरी मेजर्स एंड इकोनॉमिक इंस्ट्रूमेंट इश्यूज ऑफ द कंसर्न टू डेवलपिंग कंट्रीज। अब जहां ट्रेड की बात होती है वहां डेवलपिंग कंट्रीज आ ही जाती हैं। क्यों? क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज के पास बढ़ने का क्या जरिया है, वो है ट्रेड, और अगर हम ट्रेड को ही रेस्ट्रिक्ट करना शुरू कर देंगे तो डेवलपिंग कंट्रीज के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, है ना। चलिए एक बार देख लेते हैं। रेगुलेटरी मेजर्स, एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेशंस इन इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज जनरली फॉर्मुलेटेड टू प्रोटेक्ट देयर लोकल एनवायरमेंट मे ऑल्सो हैव एन इम्पैक्ट ऑन डेवलपिंग कंट्रीज बाय ऑल्टरिंग देयर ट्रेड अपॉर्चुनिटीज। ठीक, सबसे पहला पॉइंट है हमारा प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेशन। प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स रिफर्स टू टेक्निकल स्पेसिफिकेशन सच एज परफॉर्मेंस क्वालिटी सेफ्टी और डायमेंशन ऑफ अ प्रोडक्ट। नॉर्मली द टर्म रेगुलेशन इज यूज वेन द कम्प्लायंस इज मैंडेटरी वाइल द टर्म स्टैंडर्ड इज यूज वेन द कम्प्लायंस इज वॉलंटरी। सर्टन केसेस इवन इंटरनेशनली अग्रीड अपॉन प्रोडक्ट स्टैंडर्ड एज वेल एज नेशनल स्टैंडर्ड्स विच आर अप्लाइड इक्वली टू डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड एंड इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स मे रिजल्ट इन हाई कम्प्लायंस कॉस्ट फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज। अब जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो ट्रेड को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए क्या करेंगी, अपने प्रोडक्ट्स के स्टैंडर्ड और रेगुलेशंस को बढ़ा देंगी। अगर अपने प्रोडक्ट्स के स्टैंडर्ड्स और रेगुलेशंस को बढ़ा देंगी तो जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको ट्रेड करने में दिक्कत होगी। ठीक, क्योंकि अब इन्वायरमेंट को भी ध्यान रख के उनको ट्रेड करना है तो वो हर तरह के प्रोडक्ट्स को अपनी कंट्री में आने नहीं देंगी, इसलिए वो अपने प्रोडक्ट के स्टैंडर्ड को बढ़ा देंगी, उसके रेगुलेशंस को भी मॉडिफाई कर देंगी। ठीक है, तो जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं जो ट्रेड करती हैं उनको काफी दिक्कत का सामना करना पड़ जाएगा और इसी वजह से उनका जो ट्रेड है वो हैम्पर होना शुरू हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट है प्रोसेस स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेशंस. प्रोसेस स्टैंडर्ड्स कैन बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड्स आर एसेंशियली डायरेक्ट कंट्रोल्स एज दे डिक्टेट द प्रोडक्शन प्रोसेस एट द प्लांट लेवल. प्रोसेस स्टैंडर्ड्स फॉर एग्जाम्पल एमिशन कंट्रोल्स कैन ऑल्सो बी अचीव थ्रू एन एनवायरमेंट टैक्स और ट्रेडेबल परमिट सिस्टम इन विच केस दे आर इनडायरेक्ट कंट्रोल्स. Process standards may also have an impact on the industrial location decision, that is, industries may move from the countries which have higher standards to those which have lower standards. This could have an implication for the developing countries in terms of relocation of pollution-prone industries. अब process standards और regulations कैसे developing countries के export को hamper करता है इसको देख लेते हैं. देखिए, जो भी कंट्रीज हैं अगर उनको एनवायरमेंटल कंडीशंस को भी मीटअप करना है तो वो क्या करेंगी, अपने जो प्रोडक्ट के स्टैंडर्ड्स हैं उनको मेंटेन करने की कोशिश करेंगी. ठीक है, अब जब अपने प्रोडक्ट के स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने की कोशिश करेंगी तो कहीं ना कहीं उनकी जो प्रोसेस कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी, मतलब उनकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी. अब जब प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी तो डेवलपिंग कंट्रीज के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा क्योंकि उसको मीटअप करना. अब जो कंट्रीज हैं वो क्या करेंगी, एक कंट्री से दूसरी कंट्री शिफ्ट होना शुरू कर देंगी, रीलोकेट होना शुरू कर देंगी ताकि वो उस पर्टिकुलर प्रोसेस स्टैंडर्ड को मीटअप कर पाए. ठीक, तो डेवलपिंग कंट्रीज के लिए जो ट्रेड है वो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा. ठीक, नेक्स्ट हमारा इकोनॉमिक इंस्ट्रूमेंट. इकोनॉमिक इंस्ट्रूमेंट्स हैव बीन ब्रॉडली डिफाइंड एज अ टूल्स व्हिच टेक एडवांटेज ऑफ मार्केट प्रिंसिपल्स टू अचीव देयर ऑब्जेक्टिव्स. ठीक, पहला है हमारा प्रोडक्ट चार्जेस. प्रोडक्ट चार्जेस आर टैक्सेस लिवाइड अपॉन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट्स विच आर पल्यूटिंग. प्रोडक्ट चार्जेस कैन बी बेस्ड ऑन सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोडक्ट. फॉर एग्जाम्पल, चार्जेस ऑन सल्फर कंटेंट इन मिनरल ऑयल और द प्रोडक्ट इट्सेल्फ. अब प्रोडक्ट चार्जेस क्या होते हैं, प्रोडक्ट चार्जेस बेसिकली टैक्सेस होते हैं जो कि लगाए जाते हैं ऐसे प्रोडक्ट्स के ऊपर जो कि पॉल्यूशन को फैलाते हैं. ठीक है, वो इसीलिए लगाया जाता है ताकि ऐसे प्रोडक्ट्स को जल्दी कोई यूज ना करे, या फिर अगर यूज हो रहे हैं तो उनके ऊपर प्रॉपरली टैक्सेस को लगाया जाए. ठीक, तो प्रोडक्ट चार्जेस कैन बी बेस्ड ऑन सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोडक्ट. तो ये चार्जेस बेसिकली प्रोडक्ट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करते हैं, जैसे कि चार्ज ऑन सल्फर कंटेंट इन मिनरल ऑयल. तो मिनरल ऑयल में सल्फर कंटेंट है इसकी वजह से इसके ऊपर प्रोडक्ट चार्जेस लगाया जाएगा, या फिर जो प्रोडक्ट खुद है उसमें कुछ ऐसा कंटेंट है जो कि पोल्यूशन फैला सकता है तो उसके ऊपर प्रोडक्ट चार्जेस को लगाया जाएगा. ठीक, तो अगर प्रोडक्ट चार्जेस लगाए जाएंगे तो ट्रेड करना काफी प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा. राइट, क्योंकि ऐसे कई सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि टॉक्सिक होते हैं या फिर जो पोल्यूशन बहुत फैलाते हैं, तो डेवलपिंग कंट्रीज अगर इन सब प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करती है तो उसका एक्सपोर्ट में कहीं ना कहीं इस चीज का इम्पैक्ट देखा जाएगा, क्योंकि वो हर प्रोडक्ट को अब इजिली एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगी क्योंकि उसको हैवी चार्जेस पे करने पड़ेंगे ऐसे प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करने के लिए. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है सब्सिडीज. तो सब्सिडीज इम्प्लाय फाइनेंशियल असिस्टेंस टू polluters in order to give them incentives to alter their environmental behavior or help them to comply with the environmental standards. There are many types of subsidies such as grants, soft loans or tax allowances. Subsidies क्या होती हैं, ऐसी financial assistance जो कि government provide करती है ताकि जो trade है वो easily किया जा सके. ठीक, अब इस केस में क्या होगा, गवर्नमेंट अगर सब्सिडी प्रोवाइड कर दी तो जो पॉल्यूटर्स, मतलब कि जो ऐसे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं जो पॉल्यूशन कर सकते हैं, उनको अगर सब्सिडीज मिल गई तो वो अपनी इन्वायरमेंटल कंडीशंस को, इन्वायरमेंटल बिहेवियर्स को चेंज कर देंगे ताकि वो इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स को मीटअप कर सके. तो जब ये सारा सिनेरियो अगर अपनी कंट्री में ही कर सकते हैं तो बाहर से ट्रेड क्यों किया जाएगा. राइट, तो जब बाहर से ट्रेड नहीं होगा तो जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनके ट्रेड पे इसका इफेक्ट आएगा. ठीक, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे. नेक्स्ट पॉइंट है पैकेजिंग पॉलिसीज. डेवलपमेंट्स इन द एरिया ऑफ पैकेजिंग इन्वॉल्व रेगुलेशंस रिगार्डिंग पैकेजिंग मटेरियल्स, रिसाइकल कंटेंट प्रोविजंस, प्रोडक्ट चार्जेस, डिपॉजिट रिफंड सिस्टम्स एंड टेक बैक ऑब्लिगेशंस. स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेशंस रिगार्डिंग द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड पैकिंग मटीरियल रिक्वायर, फॉर एग्जाम्पल दैट द पैकेजिंग टू बी सुटेबल फॉर रिसाइकलिंग और रीयूज. जर्मन रेगुलेशंस आर पर्टिकुलरली स्ट्रिंजेंट इन रिगार्ड ऑफ पैकिंग requirements. Next obstacle क्या है, packaging policies. अगर हम environment को लेकर इतना concerned हैं, तो हम ऐसे products को form करेंगे या ऐसे products की packing करेंगे ताकि वो जो packing है वो further use हो पाए. ठीक, plastics हैं या फिर ऐसे कुछ materials हैं जिनके through packings की जाती हैं,
ऐसी पैकिंग्स को ना यूज करके इन्वायरमेंट फ्रेंडली पैकिंग्स की जाएंगी। अब इन्वायरमेंट फ्रेंडली पैकिंग की वजह से जो ट्रेड है वो रेस्ट्रिक्ट हुआ ना, क्योंकि देखिए जो कंट्रीज हैं उन्होंने डायरेक्टली कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया, लेकिन उन्होंने कह दिया कि हमको अपने प्रोडक्ट्स पे ऐसी पैकिंग चाहिए जो कि वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो और उसको दोबारा रिसाइकल किया जा सके। लेकिन अगर डेवलपिंग कंट्रीज प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग ऐसे कर रही हैं कि वो जो पैकेजिंग है वो रिसाइकल नहीं हो सकती या फिर वो इन्वायरमेंट को रेडली इम्पैक्ट करेगी, तो क्या होगा? ये ट्रेड रेस्ट्रिक्ट हुआ ना, तो पैकेजिंग पॉलिसीज की वजह से भी जो ट्रेड है डेवलपिंग कंट्रीज का वो रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, उनको ट्रेड करने में प्रॉब्लम होती है। ठीक, तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया और ये चैप्टर आपका यहीं पे खत्म हो जाता है। इसमें जो लेफ्ट ओवर टॉपिक्स हैं वो आप खुद पढ़ लीजिएगा, बाकी आपके पेपर के पर्सपेक्टिव से जो भी इम्पोर्टेंट था मैंने यहाँ पे आपके साथ सब कुछ डिस्कस कर लिया है और मेरी तरफ से ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर जाए। अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में जहाँ हम डिस्कस करेंगे एक नई यूनिट को। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर।